ये देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इधर बार बार पूछा जाता है, खास करके जेई मेंस और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ये 2015 का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर तुम्हें कभी ज़िंदगी में ये भूलेगा नहीं। कहता पीएन जंक्शन है, अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल फ्रॉम 10 वोल्ट अप्लाई, अगर 10 वोल्ट का अप्लाई कर देते हो, देखो पहले ये होता है एनालॉग सिग्नल, ये जो सिग्नल होती है इसमें कुछ जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होती है वो हर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है यार। मतलब अगर ये किसी को सिग्नल दोगे तो वो उसको हर टाइम में सिग्नल मिलेगा यार, हर टाइम में वो कन्फ्यूज रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन एक होती है ये बॉक्स वाली, इस टाइप के सिग्नल होती है जिस पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है इस टाइम डिजिटल, ये हर टाइम नहीं मिलेगा, कुछ खास टाइम में ही मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, सिर्फ मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में चलता है। तो ये जो है वो निगेटिव है, अगर ये -5 है तो इधर कितना होगा, +5 होगा, और ये बीच में क्या है यार, 0 है। तो अभी जो सिग्नल दिया गया +5 -5 के बीच दिया गया है, समझ रहे हो ना। और यहाँ से जो डायोड है, अब इस डायोड को यहाँ से समझने की कोशिश करना, यहाँ से ये जो तुम सिग्नल दिए हो ये प्लस माइनस, ये यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया RL, यहाँ से मैं आउटपुट लूँगा। और ये अब यहाँ से अगर मैं सिग्नल दूंगा, समझने की कोशिश करना, यहाँ से सिग्नल जो है वो -5 और +5 के बीच दिया जा रहा है, -5 और +5, तो ये बीच में क्या होगा, यहाँ बीच में क्या होगा बोलो, यहाँ बीच में तो 0 होगा यार। तो अब यहाँ से अगर 0 दूंगा, यहाँ ये जो ये सर्किट है, अगर मैं इसमें एक कनेक्शन करूँगा प्लस माइनस कनेक्शन करूँगा तो ये 0 होगा, ये भी वोल्ट होगा, ऐसे कुछ सर्किट कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे ऐसे कुछ सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिग्नल देने के लिए इस वाले टर्मिनल को मैं 0 वोल्ट सेट कर देता हूँ और इसको मैं कुछ प्लस भी पोटेंशियल सेट कर देता हूँ। अब इसके बीच में सिग्नल दूंगा, तो ये जो है वो 0 लाइन है और ये यहाँ से प्लस, और ये यहाँ से प्लस और माइनस फाइव, ये -5 और ये +5 वोल्ट, और यहाँ से ये 0 दे दिया। अब समझने की कोशिश करना, जब तुम यहाँ से 0 दोगे, यहाँ ये तो 0 है, तो जब तुम यहाँ इसको -5 करोगे तो -5, इसको मैंने -5 किया तो -5 के केस में ये जो डायोड है इसका प्लस टर्मिनल ए है और इसका माइनस टर्मिनल ए है, तो जब ये -5 रहेगा तो जब -5 सिग्नल इसको मिलेगा तो डायोड किस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा। तो रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा, इधर कुछ करंट मिलेगी नहीं, इधर 0 करंट मिलेगी। फिर -5 से मान लो -3 हुआ, अभी भी इधर करंट कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। फिर अगर -1 हुआ, -2 हुआ, फिर भी 0, -1 फिर भी, जब 0 होगा तभी भी इधर 0 मिलेगा। मतलब जब तक ये निगेटिव वैल्यू यहाँ इस वोल्टेज टर्मिनल पर रहेगा तब तक तो यहाँ करंट 0 है या वोल्टेज का सिग्नल 0 है, इधर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे ये प्लस हो जाएगा, 0 हो गया, 0 से जब प्लस वैल्यू बढ़ेगी यहाँ तक सिग्नल, ये वाली सिग्नल +1 +2 +5 +3 मिलेगी, तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और इधर ये सिग्नल मिलेगा। फिर जब कांस्टेंट रहेगा तो इधर कांस्टेंट मिलेगा, फिर घटेगा तो उसी हिसाब से घटेगा, फिर जब 0 होगा तब तक मिलेगी जब तक ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं इसका आउटपुट ड्रा करूँ तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। चलो इसका मैं आउटपुट अगर ड्रा करूँ तो ये मेरा 0 वाला लाइन है, तो 0 लाइन है, जब तक निगेटिव सिग्नल है तब तक कुछ नहीं है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे ही 0 हुआ इधर 0, 0 से अगर वैल्यू इधर बढ़ेगा, ठीक है, तो इधर भी वैल्यू बढ़ेगी, 1 2 3 4, जब तक 5 तक इसका, ठीक है, इधर 1 2 3 5 तक, तो आउटपुट में भी 5 तक ऐसे वैल्यू बढ़ेगी। फिर ये वाला वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज दिए, ठीक है, तो कांस्टेंट वोल्टेज दिए, 5 देते रहे कांस्टेंट, तो 5 देते रहे तो आउटपुट में 5 कांस्टेंट मिलता रहा। फिर अगर ये वैल्यू घटाओगे, डिक्रीज होगा, 3 4 2 2 1 होगा, तो ये वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और डिक्रीज होगी। कुल मिला के अब यहाँ 0 हो गया। अब ये जब निगेटिव आएगा तो डायोड इधर नहीं आएगा यार, ये गलत हो जाएगा, रिवर्स बायस में चला गया, इधर वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर 0 0 टाइम के रिस्पेक्ट में 0 मिलेगा जब तक कि यहाँ नहीं आ जाएगा। फिर अगर 0 दोगे तो फिर इस टाइप से एंड सो ऑन, इस टाइप से आउटपुट कुछ
मिलेगा, तो आउटपुट इस टाइप से कुछ मिलेगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो जीरो, ये कितनी वैल्यू है, ये प्लस 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है और ये माइनस 5 मिला ही नहीं, तो प्लस 5 मतलब बी ऑप्शन हम लोग का सही है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा।